क्रिकेट संघ चंबा द्वारा HPCA में खिलाड़ियों के पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसका आगाज जिला क्रिकेट संघ चंबा संयोजक मनोज शर्मा ने किया। सबसे पहले उन्होंने खिलाड़ियों को पंजीकरण के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि जिला के जो भी नए खिलाड़ी अपना पंजीकरण या पुराने खिलाड़ी पंजीकरण का नवीनीकरण करवाना चाहते हैं तो वे आगामी दिनों में जिला क्रिकेट सेंटर बारगाह, सब सेंटर हरिपुर तथा सब सेंटर बनीखेत में करवा सकते हैं। उन्होंने बताया कि पंजीकरण करवाने वाले खिलाड़ियों को अपने साथ हिमाचली बोनाफाइड 10वीं का प्रमाण पत्र, आधार कार्ड तथा 2 पासपोर्ट साइज की फोटो साथ लाने होंगे। जिन खिलाड़ियों की आयु कम है उन्हें पंचायत, नगर परिषद, नगर पंचायत या CMO कार्यालय से प्रमाणित जन्मतिथि प्रमाण पत्र लाना होगा। मनोज शर्मा ने बताया कि HPCA से पंजीकृत होने के बाद खिलाड़ियों के लिए एक नंबर जारी किया जाता है जो कि उनका अपना यूनिक नंबर होता है। आज जिला क्रिकेट संघ चंबा के द्वारा एक रजिस्ट्रेशन अभियान की शुरुआत की गई, जिसमें कुछ नई रजिस्ट्रेशन होगी और कुछ जो पुरानी को नवीनीकरण होगा। मकसद है इस रजिस्ट्रेशन अभियान का ताकि अधिक से अधिक बच्चों तक वो जानकारी पहुँचाई जाए, ताकि समय समय पर उनको हम लोग अवगत करा सकें जो भी हमारी खेल गतिविधियाँ जिले भर में चलती हैं। इसका लाभ बच्चों को ये मिलता है कि जब भी कोई गतिविधि होती है तो तकरीबन कोई हर तीसरी जगह पे बच्चे खेलते हैं, बट हमें उनका पता नहीं होता है। तो जब बच्चे हमारे साथ रजिस्टर होते हैं तो हम उनको सही जानकारी सही समय पर देते हैं और हमारे पास एक डाटाबेस बनता है। इस डाटाबेस के आधार पर हम उनको समय समय पर साथ जानकारी भेजते रहते हैं। जो पुराने जो बच्चे हमारे साथ जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं उनका भी समय समय पर ये नवीनीकरण किया जाता है, तो उसमें भी उनकी जो अपडेट, जिस तरह से नॉर्मल एक आधार कार्ड अपडेट होता है तो उसी तरह से हम भी सारा नवीनीकरण करके अपनी रजिस्ट्रेशन को अपडेट करते हैं। तो इसी तरह से अभियान पूरे जिले भर में ये तकरीबन 15 दिन चलेगा। आज से इसकी शुरुआत हुई है और वैसे तो पहला चरण इसका 5 दिसंबर तक रखा गया। उज्जवल हिमाचल के लिए चंबा से शैलेश शर्मा की रिपोर्ट। बुडमल ज्वेलर्स पालमपुर, भरोसा उम्र भर का।